हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह, आरबी ईटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक फोर सिलेंडर डीजल इंजन की मेजर ओवरहॉलिंग के बारे में, जिसमें हमने इसका पार्ट वन वीडियो कल अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लीजिए, तभी ये पूरी तरीके से वीडियो समझ में आएगा। तो ये वीडियो है ग्रीस में एक 4YDAX डीजल इंजन की मेजर ओवरहॉलिंग के बारे में, जिसमें हमने जो कल वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने लाइनर, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट का फिटमेंट देखा था। अब हम देखेंगे सिलेंडर हेड का फिटमेंट, गियर रेल का फिटमेंट और गियर रेल की टाइमिंग के बारे में और फ्यूल पंप की टाइमिंग के बारे में और बम्पिंग क्लियरेंस के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। अगर इसी वीडियो में पूरा कवर हो जाता है ओवरहॉलिंग तो अच्छा है, नहीं तो हम इसका पार्ट 3 भी बनाएंगे। तो बेसिकली पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं, ये है पार्ट 2। तो 4YDAX एयर कूल्ड 4 सिलेंडर इंजन की ओवरहॉलिंग का पूरा प्रोसेस देखने के लिए वीडियो में अंत तक साथ में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल हमने क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन और लाइनर फिट कर लिए थे। अब इसके बाद आता है सिलेंडर हेड का फिटमेंट। तो सिलेंडर हेड फिट करने से पहले हमको बम्पिंग क्लियरेंस चेक करना होता है। उसके लिए हम लेड वायर का यूज करते हैं। बेसिकली लेड वायर को आपस में लपेटते हुए इतना मोटा कर लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 2 mm मोटा हो जाए। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं और हर पिस्टन के ऊपर में दो दो लेड वायर आमने सामने रख देते हैं। एक्चुअली ऐसे रखने में इंजन घुमाने की स्थिति में ये इधर उधर सरक सकता है, इसलिए इसको ग्रीस या लॉकटाइट की मदद से स्टिक कर देते हैं पिस्टन के ऊपर। उसके बाद में हम सिलेंडर हेड इसमें बांध देते हैं यानी लगा देते हैं और इसको प्रॉपर रिकमेंडेड टॉर्क पे टाइट कर देते हैं। उसके बाद इंजन को हम 2-3 चक्कर घुमा लेते हैं, जितना प्रेस होना होता है उतना लेड वायर प्रेस हो जाता है। इसके बाद सिलेंडर हेड को रिमूव कर लेते हैं यानी खोल के बाहर निकाल लेते हैं। फिर हम जो ये प्रेस हुआ लेड वायर है, इसकी थिकनेस जो है हम माइक्रोमीटर की मदद से नाप लेते हैं। बेसिकली हमने हर सिलेंडर में 2-2 लेड वायर डाल रखे थे, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद में जो उसका योग आता है उसको हम 2 से भाग कर देते हैं। भाग करने के बाद में जो आता है वही इसका एक्चुअल जो है बम्पिंग क्लियरेंस होता है। अगर ये कम है या ज़्यादा है तो इसके नीचे की जो सिलेंडर लाइनर के नीचे सिम लगी हैं उनको निकाल के घटाना या बढ़ाना है, यानी ऐड या रिमूव करना है। जो कि हमारा रिकमेंडेड बम्पिंग क्लियरेंस है उसको सेट करना है। सिम को निकाल करके या ऐड करके हमको बम्पिंग क्लियरेंस प्रॉपर सेट करना होता है। तो इस इंजन का जो बम्पिंग क्लियरेंस है वो है 50 थाउ यानी 1.25 mm। जैसा कि आपको पता है 1 mm में 40 थाउ होते हैं, इसका मतलब 1.25 mm में 50 थाउ हो जाएंगे। तो अभी हम लेड वायर की थिकनेस देख रहे हैं जो कि सिलेंडर नंबर 3 का है और ये आ रहा है हमारा अप्रॉक्सीमेट 1.7 mm। जैसा कि आप माइक्रोमीटर में देख सकते हैं 1 mm पूरा है, फिर उसके बाद में 0.5 mm पूरा है, उसके बाद में 0.2 आगे गया है। इसका मतलब ये हो गया 1.7 mm। अगर इसको थाउ में जानना चाहेंगे तो ये हो जाता है 68 थाउ। तो इसको सरल भाषा में ऐसे समझ लेते हैं, 1 mm में 40 थाउ हो गया तो 40 लिख लिया और उसके बाद में 0.5 में 20 हो गया तो 20 लिख लिया और उसके बाद में 0.2 है तो 0.2 में हो गए 8 थाउ। तो हमारा 1.7 mm में जो हो गए 40, 20, 60 और 68 थाउ हो गया, 68 थाउ हो गया। अब हमने चारों सिलेंडर के लेड वायर की थिकनेस ले ली है, तो सिलेंडर नंबर 1 के दोनों लेड वायर की थिकनेस बराबर निकली है यानी 64+64 थाउ निकला है और सिलेंडर नंबर 2 में थोड़ा सा अनइवन है और सिलेंडर नंबर 3 में भी थोड़ा सा अनइवन है और 4 में भी 70 थाउ और 68 थाउ निकला हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो आता है उसको हम 1/2 कर लेते हैं, फिर जो आता है वो एक्चुअल में उस सिलेंडर का बम्पिंग क्लियरेंस होता है। वैसे बम्पिंग क्लियरेंस लेना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। तो चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले जान लेते हैं बम्पिंग क्लीयरेंस होता क्या है। एक्चुअली जब पिस्टन हमारा फुल टीडीसी पे होता है उस समय हमारा पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच में जो गैप होता है वही उसी गैप को हम बम्पिंग क्लीयरेंस कहते हैं। तो सारा गुड़ा भाग करके जो निकल के आया है वो आया है सिलेंडर नंबर एक का 64 था और दूसरे का 78 था, तीसरे का 69 था और चौथे का भी 69 था, जो कि हमारा रिकमेंडेड है वो 50 था हमको मेंटेन करना है। उसके लिए इनमें से जो सिम निकाली जाएंगी वो 14 था की निकाली जाएगी, दूसरे में 28 था की निकाली जाएगी और तीसरे में 19 और चौथे में भी 19 था की सिम निकालनी पड़ेगी। तो हमको पिस्टन का खाली कनेक्टिंग राड का कैप खोल लेना है, लाइनर के साथ पिस्टन निकालेंगे और इसके नीचे से हम रिकमेंडेड जो निकल के आ रहा है उतने थाव की सिम रिमूव कर लेंगे। तो एक्चुअल में थोड़ा सा 19-20 चलता है अगर उतनी मोटी सिम नहीं मिलती है तो। जैसा कि हमने निकाल करके सिलेंडर नंबर वन में 12 थाव निकाला है, दूसरे में 24 की निकाला है, तीसरे में 16 थाव की निकाला है और चौथे में भी 16 निकाला है, उसके बाद में जो हमारा एक्चुअल बम्पिंग क्लीयरेंस जो बन के आ रहा है वो 52 थाव है, दूसरे में 54 थाव है, तीसरे में 53 थाव है, चौथे में भी 53 थाव है, जो कि रिकमेंडेड लिमिट के आसपास है, इतना प्लस माइनस चलता है। अब हम क्या करेंगे, सिलेंडर हेड रेडी करेंगे और सिलेंडर हेड रेडी करने के बाद में इसको लाइनर के नीचे से सिम रिमूव करने के लिए निकालने के लिए हमको सिर्फ कनेक्टिंग राड का कैप खोल लेना है और लाइनर को ऊपर निकाल लेना है बाहर को विद पिस्टन, और उसके बाद में हमको जो सिम निकालनी है वो निकाल लेनी है, फिर पुनः लाइनर को वैसे ही रख करके कनेक्टिंग राड के बोल्ट टाइट कर देने होते हैं। तो बम्पिंग क्लीयरेंस लेने का काम यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलते हैं अब सिलेंडर हेड की सब असेंबली तैयार कर लेते हैं। तो ये हैं हमारे एयर कूल्ड इंजन के सिलेंडर हेड, जिसमें कि वाल और वाल सीट सारी बदली जा चुकी हैं और सारे हेड पूरी तरीके से क्लीन हो चुके हैं। तो अब डालते हैं इसमें वाल और उसको फिट करते हैं। तो सुधीर जी सिलेंडर हेड की सब असेंबली कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले नीचे से वाल डाल चुके हैं और इसकी इनर स्प्रिंग और आउटर स्प्रिंग डाल दिए हैं और इसके ऊपर से स्प्रिंग प्लेट लगाएंगे और स्प्रिंग प्लेट में इसके कॉलेट इंसर्ट कर दिए जाएंगे और स्प्रिंग प्लेट को थोड़ा प्रेस करेंगे और ये कॉलेट वाल्व के साथ पूरी तरीके से लॉक हो जाएंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा हैमरिंग करके लॉक को पूरी तरीके से सेट कर देंगे। जैसा कि यह एक एयर कूल्ड इंजन है, इसका सिलेंडर हेड एल्युमिनियम का बना होता है और इसके सिलेंडर हेड के बाहरी हिस्से में फिन्स लगे रहते हैं, यानी फिन्स रहते हैं ताकि सिलेंडर हेड का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एयर के कांटेक्ट में रहे और इसकी हीट जल्दी ट्रांसफ़र हो और ताकि ये जल्दी ठंडा हो सके। तो इस हेड के दोनों वाल्व फिट हो चुके हैं और लॉक लग चुके हैं। अब इसकी फिट करेंगे रॉकर लीवर शाफ्ट और रॉकर लीवर, साथ में ही डालेंगे पुशरॉड और पुशरॉड स्लीप। तो इस मॉडल में रॉकर शाफ्ट के दोनों एंड पे ओरिंग लगती है और जो रॉकर शाफ्ट या रॉकर लीवर तक जो लुब्रिकेशन आता है यानी ऑयल आता है वो आता है एक ब्रांच पाइप के थ्रू। ब्रांच पाइप का दूसरा हिस्सा जो है मेन ऑयल गैलरी से जुड़ा रहता है। रॉकर शाफ्ट इंसर्ट करने के बाद में इसमें एक ग्रुप नट लगा रहता है जिसके थ्रू लॉक कर दिया जाता है इसको रॉकर शाफ्ट को, ताकि ये अपनी जगह पे प्लेस रहे और दोनों रॉकर लीवर के बीच में एक स्प्रिंग रहता है ताकि रॉकर लीवर अपनी जगह पे पूरी तरीके से फिक्स रहे, यानी रॉकर लीवर का जो ऑयल का होल रहता है वो अपना रॉकर शाफ्ट के होल से पूरी तरीके से मैच करे, ताकि जो ब्रांच पाइप से रॉकर शाफ्ट तक ऑयल आए वो पूरी तरीके से रॉकर लीवर में तेल पूरे फ्लो में पहुँचे। जब तक सुधीर जी सारे हेड तैयार करते हैं तब तक हम चलते हैं इसकी गियर रेल तैयार कर लेते हैं। तो ये है हमारा फ्यूल पंप ड्राइव गियर, इसमें तीन पॉइंटर लगे रहते हैं, दो पॉइंटर गियर के ऊपर और एक तीसरा जो है वो रहता है फ्यूल पंप के कपलिंग के ऊपर में। तो तीनों एक दूसरे के लाइन में रहने चाहिए, पूरी तरीके से सामने रहने चाहिए।
तो जैसा कि हमने अभी तीनों को एक लाइन में कर दिया है, अब हम इसका प्लेट लगा करके गियर को फ़िलहाल लॉक कर देंगे। तो ये है हमारा फ्यूल पंप के ऊपर में पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट जो हैं वो गियर के ऊपर में हैं, तीनों एक दूसरे के सामने करके ही फिट किया जाता है। अब हम इसको तीन बोल्ट लगा करके लॉक कर देंगे, फिर टाइमिंग के समय इसको दोबारा खोलना पड़ेगा। इसका क्रैंकशाफ्ट का गियर जो है की के द्वारा इसके क्रैंकशाफ्ट के ऊपर में प्रेस फिट रहता है, और इसका कैमशाफ्ट का भी गियर कैम के ऊपर एक बोल्ट के द्वारा फिट किया रहता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, कोई भी गियर किसी दूसरे गियर के साथ में मैश नहीं है, तो इसको मैश करने के लिए यानी डिस्टेंस ज़्यादा है तो बीच में एक आइडलर गियर लगाया जाता है। आइडलर गियर की शाफ्ट जो है तीन बोल्टों द्वारा टाइट कर दी जा चुकी है। अब इसी के ऊपर में आइडलर गियर लगेगा, फिर उसके ऊपर में एक लॉकिंग प्लेट लगेगी। लॉकिंग प्लेट के दोनों बोल्ट लॉक के द्वारा लॉक कर दिए जाएंगे और हमारा आइडलर गियर फिट हो जाएगा। तो ये है हमारा आइडलर गियर, जो कि पूरी तरीके से तीनों गियरों को मैश करा दिया है। यानी क्रैंकशाफ्ट के ऊपर में हमारा जो लगा हुआ है 00 लिखा हुआ है, और हमारा कैमशाफ्ट के ऊपर में XX लिखा हुआ है, और हमारा फ्यूल पंप टाइमिंग के ऊपर में टाइमिंग गियर के साथ में हमारा II लिखा हुआ है। तो तीनों गियर पूरी तरीके से मैश हो गए हैं। यही टाइमिंग हमको रिपेयरिंग के समय में पूरी तरीके से मैच करानी होती है। तीनों गियर की मार्किंग मिलाने के बाद में, फुल टाइट करने के बाद में, हमको तीनों गियर का बैकलेस चेक कर लेना होता है। बैकलेस बेसिकली क्या होता है, दो टीट के बीच में जो गैप होता है उसी को बैकलेस बोलते हैं। तो वो तीनों गियर का 1x1 चेक कर लेना होता है कि किसी गियर में बैकलेस कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो तीनों में प्रॉपर बैकलेस मिल रहा है। तो ये है इसका आयल पंप। एक्चुअली पुराना आयल पंप फुल एफिशिएंसी नहीं दे रहा था, यानी आयल प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, और थोड़ा सा इशू भी था, क्लियरेंस बढ़ा हुआ था, और एक दो बोल्ट भी इसके अंदर से थ्रेड ख़राब हो चुके थे, इसलिए नया आयल पंप बदला जा रहा है। आयल पंप लगाने के बाद में हम टाइमिंग गियर का कवर प्लेट लगा देंगे, यानी गियर एंड कवर फिट कर देंगे, उसके बाद में फ्यूल पंप टाइमिंग करेंगे। जब तक एक टीम आयल पंप और गियर एंड कवर लगाती है, तब तक हम चलते हैं सिलेंडर हेड फिट करवा देते हैं। तो चलते हैं सिलेंडर हेड फिट करने के लिए। और सिलेंडर हेड फिट हो रहे हैं। सिलेंडर हेड फिट करने से पहले हमको बेस सपोर्ट प्रॉपर टाइट कर लेना होता है, और उसमें ओरिंग लगा करके लॉक टाइट के साथ में एडेसिव के साथ में फिट कर देना होता है। तो सिलेंडर हेड रखे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे सिलेंडर हेड रख गए हैं, और अब इनकी टार्किंग कर देते हैं। तो इसके सिलेंडर हेड का जो टॉर्क रहता है वो रहता है 60 से 65 LVFT, यानी लगभग 9 kg/cm². सिलेंडर हेड फिटमेंट के बाद में हम इसमें फिट करेंगे इसके एग्जास्ट मैनिफोल्ड और इनलेट मैनिफोल्ड। उसके बाद में एग्जास्ट मैनिफोल्ड के ऊपर में टर्बो माउंट करेंगे। एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर हेड अल्मीनियम के होते हैं, इसलिए सिलेंडर हेड के नट टाइट करते समय थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है। बेसिकली तीन स्टेप में इसकी टाइटनिंग करते हैं, पहले हैंड टाइट, उसके बाद में थोड़ा सा और टार्क बढ़ाएंगे, फिर फुल टार्क मारेंगे। तो फ्यूल पंप फिट हो चुका है। तो अब सबसे पहले हम कर लेते हैं फ्यूल पंप की टाइमिंग। टाइमिंग करने से पहले हमको निश्चित कर लेना है कि जो हमारा TDC है, यानी जो पॉइंटर है, वो पूरी तरीके से अपनी जगह पे फिट है। यानी जिस समय पिस्टन TDC पे आ रहा है, पॉइंटर भी वही इंडिकेट कर रहा है या नहीं। तो अभी हम सबसे पहले पिस्टन की मदद से इसका TDC सेट कर लेते हैं, क्योंकि नोजल का होल अभी खुला हुआ है, उसकी मदद से हम इसका TDC देख लेंगे। जिन इंजनों की फ्लाईव्हील में की लगा रहता है, उनके फ्लाईव्हील के ऊपर में मार्किंग दी रहती है, और जो डायरेक्ट नट बोल्ट से टाइट रहते हैं क्रैंकशाफ्ट के ऊपर में फ्लाईव्हील, उनमें कोई भी मार्किंग TDC की या टाइमिंग की मार्किंग नहीं दी रहती है, उसको डायल गेज की मदद से सेट करना होता है। तो ये बहुत ही छोटा इंजन है 4 सिलेंडर का, इसलिए इसकी फ्लाईव्हील पे TDC प्लस टाइमिंग का मार्किंग दिया हुआ है। तो हमने इंजन को फुल TDC पे ले करके इसका पॉइंटर फिट कर दिया है, और पॉइंटर पूरी तरीके से एरोमार्क को TDC के साथ में मैच करा दिया है। अब हम करेंगे इसकी टाइमिंग।
तो इस इंजन की हम जो टाइमिंग करेंगे वो मास्टर मानेंगे सिलेंडर नंबर वन को, और सिलेंडर नंबर वन को हम TDC पे ले लेंगे, वो भी कंप्रेशन स्ट्रोक में। एक्चुअली पिस्टन दो बार TDC में आता है 4-स्ट्रोक इंजन में, एक तो कंप्रेशन स्ट्रोक में आता है और एक एग्जास्ट स्ट्रोक में आता है। तो हमको जिसकी टाइमिंग करना है उसको TDC पे लेना है लेकिन कंप्रेशन स्ट्रोक में लेना है, और ये हम पता कर सकते हैं इसके राकर लीवर की पोजीशन देख करके। यानी अगर हमको एक नंबर को कंप्रेशन स्ट्रोक में लेना है तो 4 नंबर के जो राकर लीवर रहेंगे वो डांसिंग पोजीशन में रहेंगे उस समय, उससे हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा सिलेंडर नंबर एक जो है कंप्रेशन स्ट्रोक में TDC पे है। पिस्टन को फुल TDC लेने के बाद में हम जो फ्यूल पंप का होल्डर है उसको खोल लेंगे और उसमें से हम डिलीवरी वाल्व का DB कोन बाहर निकाल लेंगे, फिर हम ATTH होल्डर को वहाँ पे टाइट कर देंगे। इसके बाद में FIP में हम डीजल की लाइन कनेक्ट कर देंगे, यानी फुल फ्री फ्लो में डीजल FIP तक पहुँचना चाहिए। और इसके बाद में हम जो पॉइंटर के सामने अपना जो इसका FIP टाइमिंग वाला मार्क रहता है जो कि जेड से इंडिकेट रहता है फ्लाईव्हील के ऊपर में, वो पूरी तरीके से पॉइंटर के सामने ले आएंगे। इसके बाद में फ्यूल पंप गियर के तीनों बोल्ट लूज कर लेंगे थोड़ा सा, जो कि 16 mm हेक्स के साथ लगे हुए हैं। अब हम फ्यूल पंप की जो कैम शाफ्ट है उसको लेफ्ट या राइट मूव करेंगे, जो कि 24 नंबर के बोल्ट के नट के साथ में फिट है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको इतना सेट करेंगे कि होल्डर में जो फ्यूल है बहुत स्लोली आने लगे, यानी लगभग 6 सेकंड में हमारा होल्डर फिल हो जाए, वहाँ पे इसको छोड़ देंगे। टाइमिंग करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना होता है कि फ्यूल सर्किट में हमारी कोई एयर तो नहीं है, और इसके जो स्टॉप लीवर या एक्सीलेटर वाले लीवर हैं वो पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए। उसी पोजीशन पे हम टाइमिंग सेट करेंगे और देखिए टाइमिंग हो रही है, जहाँ पे हमारा होल्डर लगभग 6 सेकंड के आसपास में फिल हो जाए, यानी होल्डर के अंदर में केवल एक ड्रॉप फ्यूल आता है और वो एक ड्रॉप जो है फ्यूल 6 सेकंड में आना चाहिए। जिस जगह पे ऐसा आ जाए वहीं पे हमको FIP की कपलिंग के बोल्ट टाइट कर देने हैं, यानी टाइमिंग उसी जगह पे हो जाएगी। टाइमिंग की पोजीशन आ चुकी है, ये पूरी तरीके से टाइमिंग सेट हो चुकी है। ये हमारा DB होल्डर जो है 6 सेकंड में फिल हो जा रहा है, इसका मतलब यही करेक्ट पोजीशन है टाइमिंग की, यानी 6 सेकंड में एक ड्रॉप फ्यूल आना चाहिए, वही हमारी करेक्ट पोजीशन होती है टाइमिंग की। अब ये हम तीनों बोल्ट टाइट कर देंगे और यहीं पे लॉक कर देंगे, यही है करेक्ट पोजीशन। अब डिलीवरी वाल्व का होल्डर खोल लेंगे और जो हमने DB कोन बाहर निकाल रखा है उसको दोबारा से उसके स्थान पे डाल करके दोबारा DB होल्डर को टाइट कर देंगे। तो यही प्रोसेस है इसकी फ्यूल पंप टाइमिंग करने का, और इसकी अब टाइमिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। अब इसकी टेम्परेरी जो फ्यूल लाइन की गई थी उसको निकाल देता हूँ और इसका जो DB का कोन है उसको फिट कर देते हैं। और इसके बाद में हम देख लेंगे इसकी रैक, फ्यूल पंप टाइमिंग के करने के बाद या ऐसे ही रनिंग कंडीशन में इंजन है कभी होल्डर को खोलना पड़े तो इसको ओवर टाइट नहीं करते हैं, और ओवर टाइट होने पे इसकी रैक जाम हो जाती है। और रैक अगर स्टॉप पोजीशन में जाम हो गई तब तो अच्छी बात है, फ्यूल ही नहीं देगा, इंजन नहीं स्टार्ट होगा। अगर कहीं फुल ओपन कंडीशन में जाम हो गई और आपने इंजन स्टार्ट कर दिया तो इंजन ओवर स्पीड होने का खतरा रहता है। तो कभी भी इंजन अगर काफ़ी समय से 2-4 महीने से खड़ा हुआ है, यूज में नहीं है, तो एक बार इसकी रैक चेक कर लेनी चाहिए। तो रैक चेक करने के लिए सामने दो इसके एक्सपेक्शन कवर पे एलन स्क्रू लगे हुए हैं, इनको खोल लेना है, और खोलने के बाद में हमको स्टॉप लीवर को अप डाउन करना है तो रैक का मूवमेंट आपको दिख जाएगा। चलिए खोल के दिखाते हैं आपको। तो एक्सपेक्शन विंडो FIP का खुल चुका है, आप देख सकते हैं रैक का मूवमेंट स्मूथली हो रहा है।
तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, अभी हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे और जो रिमेनिंग जॉब्स हैं जैसे टर्बो चार्जर का फिटमेंट है, टैपेट सेटिंग है या इसका इंजन का ट्रायल है, वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे इसके थर्ड पार्ट में। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।